में खेसारी लाल यादव पहुंचे हैं और वहां पर बिहार के तमाम लोग जो हैं उन्हें देख रहे हैं, और देखने के बाद बिहार में भी काफ़ी खुशी है कि वहां का कोई गया हुआ है बिग बॉस में। और ऐसे ही बिहार से जुड़े एक मिट्टी के लाल और बहुत अच्छे गायक दिव्यांग देवा हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये क्यों पहुंचे हैं हमारे स्टूडियो में और क्या कुछ है इनका कहना खेसारी लाल यादव को लेकर। खेसारी लाल यादव बिग बॉस में जाकर बेहतर करें और उनसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं, चलिए जान लेते हैं इन्हीं से। दिव्यांग, खेसारी लाल यादव से कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आप लोगों की, क्योंकि वो बिहार से हैं। सबसे पहले नेक्स्ट नाइन न्यूज देखे वाला सभी दर्शक के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं, और हमने खाती बहुत खुशी की बात बा कि बिहार और यूपी के लाल खेसारी लाल यादव भैया मतलब बॉलीवुड के इतना बड़ा मंच पर पहुँचल बड़न, हमने खाती गर्व के बात बा। तो आप लोग प्लीज़ भैया के सपोर्ट करी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दी कि बिग बॉस के घर में भैया बना रहस और भोजपुरी के नाम ऊँचा करत रहस। तो भोजपुरी के नाम ऊंचा करे के सबके सपना बन गई बात आई। जिस तरीके से ये लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बिहार में एक जगह है, उस जगह पर सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होने के बाद अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी कड़ी में दिव्यांग भी पहुंचे थे और उन्होंने भी कुछ बातें की थी। वहाँ के लोगों में कितनी खुशी मिल रही है दिव्यांग देखने को? बहुत खुश है लोग, खेसारी जी के बिग बॉस जाने से बहुत लोग खुश हैं और बहुत काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं लोग, जो आपको कल वोटिंग जब स्टार्ट होगा तो आपको दिख जाएगा। बिल्कुल, वोटिंग स्टार्ट होगी तो दिख जाएगा, ये सही बात है। खेसारी लाल यादव बहुत ही ज्यादा जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इसलिए तो तमाम लोग आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट नाइन के स्टूडियो में और आकर खेसारी लाल यादव को जताने की बात कह रहे हैं। उम्मीद है कि खेसारी लाल यादव तक ये खबर पहुंचेगी और वो और भी अच्छा खेलेंगे। खेसारी लाल यादव से आपकी क्या अपील है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो जरूर ये संदेश दे सकते हैं हमारे माध्यम से। अब खेसारी भैया को बोलने की या फिर उनको कुछ समझाने की मेरी तो उतनी हैसियत है नहीं, वो मेरे से काफी बड़े हैं और फिर उनको काफी अनुभव है मेरे से। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया जैसे आप को बिहार और यूपी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप बिहार और यूपी के लोगों को जब भी आपकी मदद की जरूरत होगी तो आप उनके लिए खड़े रहिएगा। बिल्कुल, वो खड़े रहते हैं। पहले भी आपने देखा था कई बार कि यूपी हो या फिर बिहार हो, कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है, खेसारी लाल यादव दौड़े चले आते हैं। हाँ। इलेक्शन की बात हो या फिर, इसीलिए तो उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, उनको सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, खेसारी लाल यादव को आप किस तरीके से जानते हैं और आप उन्हें और उनके गीतों को बहुत ही ज़्यादा तरजीह देते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है दिव्यांग? मतलब दो लोगों को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, एक पवन सिंह जी हैं और एक खेसारी भैया दोनों। पवन सिंह जी की गायकी मुझे बहुत अच्छी लगती है और खेसारी जी में भी अलग क्वालिटी है। मतलब दर्शकों को इंटरटेन करने के लिए बस गायकी जरूरी नहीं है, तमाम गुण होने चाहिए। हाँ, तमाम। तो फिर पवन सिंह में भी वो सारे गुण है पर खेसारी, मतलब खेसारी जी की बातें कुछ अलग है, पवन सिंह में कुछ अलग वो क्वालिटी है। तो दोनों लोगों को मैं सुनता हूँ, दोनों को फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि जब दो लोग हों। हाँ। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ही हो और किसी एक ही को हम आदर्श माने। अगर हमारे अंदर गुण है तो हम दो लोगों को भी अपने साथ गुरु मान सकते हैं, आदर्श मान सकते हैं। गुरु तो कोई भी हो सकता है, हम किसी को भी गुरु मानकर उनसे सीख सकते हैं। तो आपके अंदर गाने का ख्याल कब से शुरू हो गया? जब मैं 9 या 10 साल का था तब से, मतलब स्कूल में भी या फिर किसी के दोस्त के बर्थडे में जाता था तो फिर वहाँ पे मैं गाता था तो लोग ऐसे बोलते थे, मतलब गाने वाने के लिए। तो ऐसे मतलब अब शुरू से एक्सप्लेन मतलब कैसे करें, पर वहीं से स्टार्ट हुआ गाने तो ऐसे ही शुरुआत हो जाती है। शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है, बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर जो गुण है उसको आप समझ पाते हो और समझने के बाद में उसे दुनिया के समक्ष रख पाते हो। खेसारी लाल यादव ने जैसे अर्श से शुरुआत की, लगातार वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहे, हमेशा वो सोचे कि उन्हें गायक बनना है, इसलिए उन्होंने फोर्स की नौकरी भी छोड़ी थी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा मौका मिल जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं खुद को साबित कर पाऊँ
अच्छा, खुद को साबित करने के लिए, मतलब एक गायक बनने के लिए। हाँ, जैसे खेसारी लाल यादव ने इतनी ज्यादा मेहनत की, कहते हैं कि खेसारी लाल यादव को अपने कैसेट को रिलीज करने के लिए या फिर अपने गाने और को दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचते हैं, ये बातें उन्होंने बिग बॉस में बोली, चोखा बेचने के लिए वो, और वहां पर उन्हें लिट्टी चोखा परोसा भी गया था। लिट्टी चोखा आपको कैसा लगता है? मेरे को भी लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है, और खेसारी भी, यानी आपने ये भी देखा होगा, उन्होंने ये बता दिया, भूमि पेडनेकर एक बॉलीवुड के अभिनेत्री, हाँ। उसने पूछा कि क्या कमी है, तो उन्होंने बता दिया कि इसमें सरसों का तेल नहीं है। हाँ, सरसों के तेल की एक अलग खुशबू। ये सब चीजें जो बिहार के लोग हैं, जिन्होंने बिहार की लिट्टी खाई, वही समझ सकते हैं। बिल्कुल, और उन्होंने तो खुद बनाया है, और उन्होंने, पता है सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है। जब उनसे पूछा गया कि इसमें क्या कमी है, तो उन्होंने बताया कि सरसों का तेल इसमें नहीं है, और मैं उस खुशबू से वाकिफ हूँ। और उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि कैसे वो लिट्टी बनाते थे अपने हाथों से, और 10 रुपए की लिट्टी बेचा करते थे। तो अपनी बात को कह देना, ये कितनी बड़ी बात है दिव्यांग। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो, मतलब लोग ये सोचते हैं कि मैं ये बोलूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, पर इस बात का उन्हें कुछ भी वो ना अफसोस है और ना ये ना मलाल होता है कभी भी कि मैं मतलब उनको ये डर भी नहीं है। वो मतलब इस बात से भी खुश है कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, दोनों चीजों को वो एंजॉय किए हैं, और इन्हीं सब चीजों को लेते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सब चीजों को लेकर चलता है वो आगे तो बढ़ता ही है। जमीन से जुड़कर रहिए और जमीन के साथ हमेशा लगे रहिए, तभी जाकर इंसान आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग, ये नहीं लगता कि जो आप जैसे तमाम युवा हैं, उन्हें खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, इन तमाम लोगों से सीख लेने की जरूरत है? जी बिल्कुल। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, किसी भी सिंगर के लिए, मैं रहूं या फिर मैं हूं या फिर जितने भी हमारे भोजपुरी में न्यू सिंगर्स हैं, तो खेसारी भैया या पवन भैया, ये दोनों, या फिर मनोज तिवारी भैया, दिनेश लाल यादव भैया हैं, तो ये किसी सिंगर के लिए बस एक माध्यम बन सकते हैं सफल होने के लिए। कोई किसी के भाग्य विधाता नहीं बन सकता, कोई भी हो वो, तो खुद से हमें मेहनत करना पड़ेगा, और सपोर्ट की ज़रूरत तो हर किसी को होती है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये दोनों जो भोजपुरी के हमारे बड़े स्टार हैं, ये न्यू सिंगरों को सपोर्ट करें, मेरे जैसे या फिर बहुत सारे सिंगर हैं, आप पता होगा, तो मैं यही बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो नए लोगों को ये लोग अगर सपोर्ट करेंगे, तभी जो नई प्रतिभा है वो निकल कर सामने आएगी, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो। पवन सिंह को लेकर कई तरीके की बातें भी सामने आई कि वो जो छोटे कलाकार हैं उन्हें चाहते हैं, और उनके लिए उन्होंने कोशिश भी बहुत की है, और बहुत सारे कलाकार जो थे उन्हें आगे भी उन्होंने बढ़ाया है। तो उम्मीद है कि दिव्यांग के लिए भी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप भी कुछ बेहतर कर पाएं, क्योंकि इन लोगों को देखकर सीखने का जो मौका मिलेगा वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। तो दिव्यांग ने बहुत सारे गीत गाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, उसमें तो उनका एक गाना भी था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और ये गाना जब हमने नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया पर चलाया तो यकीन मानिए आप तमाम दर्शकों ने इतना सारा प्यार दिया कि झोली भर गई, बहुत सारे व्यूज मिले हैं इस गाने को, और ये गाना हो गया है सुपर डुपर हिट। तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी एक दो बोल बोल दे, थोड़ा सा एक दो शब्द ही बोल दीजिए उस गाने का। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है, मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। बहुत खूब, बहुत खूब दिव्यांग जी, बहुत खूब। अगर आप दिव्यांग से कुछ गाना गवाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ कोई बड़ा सा प्रोग्राम या फंक्शन हो रहा है तो उसमें वो आ सकते हैं, आप उन्हें बतौर गेस्ट बुला सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको अपने कार्यक्रम के अंत में एड्रेस भी बताएंगे, और उस एड्रेस पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दिव्यांग का ये गाना आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और ढेर सारे कमेंट्स करें, जैसे आपने दिव्यांग के बहुत सारे
व्यूज बढ़ाए हैं, बहुत सारे गाने आपको पसंद हुए हैं और ये जो गाना भी इन्होंने गाया है इसे भी आप ही ने पसंद किया था और प्यार दिया था। तो दिव्यांग, हम चाहेंगे कि आप एड्रेस बताएं हमारे दर्शकों को और उनसे अपनी गुजारिश करें कि आपको क्या कुछ चाहिए और किस तरीके से आप उनसे प्यार चाहते हैं। तो फिलहाल दिव्यांग से सुनिए कि दिव्यांग आखिर कहाँ रहते हैं और किस तरीके से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं बिहार बक्सर में का रहने वाला हूँ और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे यही आग्रह बा कि हमारा के सपोर्ट करी जा और फिर हमारे दिव्यांग देवा नाम से यूट्यूब चैनल बा जमुना पर हम नया नया वीडियो अपलोड करते रहना और हिंदी भी गाना भी गाई ना और भोजपुरी भी, पर हमारे भोजपुरी में ज़्यादा मन लगेगा। तो आप सबके आशीर्वाद प्यार और साथ के बहुत जरूरत बा हमारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का, प्यार लुटाते रहिए और दिव्यांग को बनाइए सुपर स्टार। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांग, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेसारी लाल यादव के लिए आपने पहले तो बहुत सारी वोटिंग की हुई है और सपोर्ट भी कर रहे हैं खेसारी लाल यादव को। तो दिव्यांग सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो खेसारी लाल को वोट कर सके और खेसारी लाल के लिए आप लोगों से वोट की अपील कर सके। तो खेसारी लाल यादव को जिताइए और खेसारी लाल यादव को आगे बढ़ाइए क्योंकि खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं। तो जो जो फैन है वो हमारे स्टूडियो आ रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएं खेसारी लाल यादव को। नेक्स्ट टाइम भोजपुरी की तरफ से आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।